और अब आपको बताएं कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब अपील की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दो रुकनी बेंच नैब अपील पर समाअत करेगा। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी केस की समाअत करेंगे। नैब ने नवाज शरीफ की बरियत के एहतसाब अदालत के फैसले को चैलेंज कर रखा है। नैब ने नवाज शरीफ, हुसैन नवाज और हसन नवाज के हवाले से इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। इसी पर बात करेंगे फयाज महमूद से। फयाज, आगाह कीजिएगा, डिवीजन बेंच कितने बजे समाप्त करेगा? जिस दिन 12 बजे के बाद इस केस की समाप्त होगी। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत को नैब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, तो जिसकी आज अपील पर समाप्त होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दो रुकनी बेंच जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस केस की समाअत करेगा। नैब ने नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ एहतसाब अदालत के फैसले को चैलेंज किया था। नैब की जानिब से इस्तदा की गई थी कि नवाज शरीफ, हुसैन नवाज और हसन नवाज से मुतालिक मजीद इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए जमा कराने की इजाज़त दी जाए, तो उस पर भी आज समाअत होगी। नैब की जानिब से यह अपील दायर की गई थी क्योंकि नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने बरी कर दिया था, जिसके बाद नैब की जानिब से इस्तदा की गई थी कि क्योंकि एहतसाब अदालत का फैसला आईन और कानून के मुनाफी है, इसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, इसको कलदम करा देकर नवाज शरीफ को ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए, क्योंकि नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन का जो इल्जाम है नैब साबित कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद। ठीक है, आज यह अहम समाअत होगी। फयाज महमूद, बहुत शुक्रिया आपका।